हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी रिवाइवल विद टीना, जिसमें आज कल हम बात कर रहे हैं रामायण के कैरेक्टर्स के बारे में। तो आज बात होगी कौशल्या यानी जयश्री गडकर की, जो बहुत ही पॉपुलर मराठी और हिंदी फिल्म एक्ट्रेस रह चुकी हैं, और संजय जोग की, जिन्होंने रामायण सीरियल में भरत का कैरेक्टर प्ले किया था। जयश्री गडकर ने 1961 में आई हिंदी फिल्म सारंगा में लीड रोल प्ले किया था। उसका सॉन्ग शायद आपने सुना हो, सैड सॉन्ग है, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, याद आया? और क्या आपको ये मालूम है कि रामायण में इनके हस्बैंड यानी दशरथ का रोल प्ले करने वाले बालधुरी इनके रियल हस्बैंड थे? अब थे मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि जयश्री गडकर अब हमारे बीच में नहीं है। जी हाँ, 2008 में इनकी डेथ हो गई थी। और अब मैं आपको बताऊंगी संजय जोग के बारे में, जिन्होंने भरत का कैरेक्टर प्ले किया था। और अफसोस की बात यह है कि ये भी आज हमारे बीच में नहीं है, इनकी भी 1995 में डेथ हो गई थी। संजय जोग, जो कि एक एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, उन्होंने अपना डेब्यू किया मराठी फिल्म्स में 1976 में, लेकिन वो फिल्म क्योंकि चली नहीं तो ये वापस नागपुर आ गए अपने घर। उसके बाद फिर से गए कुछ सालों बाद, और फिर इन्होंने एक मराठी हिट फिल्म दी जिसका नाम था जिद। और फिल्म जिद के बाद इनको पॉपुलैरिटी मिली रामायण सीरियल में, जिनमें कि इनका कैरेक्टर बहुत ही अप्रिशिएट किया गया था। और उसके बाद ये कुछ मूवीज में नज़र आए, जैसे कि 1991 में आई थी एक जिगर वाला, फिर 1994 में आई थी बेटा हो तो ऐसा, बट वो मूवीज़ कुछ खास चली नहीं। लेकिन हाँ, टेलीविजन सीरियल्स में ये ज़रूर आए थे दूरदर्शन पर। लेकिन अफसोस के उसके कुछ साल बाद ही, यानी कि 1995 में, ये फिल्मी दुनिया और टेलीविज़न की दुनिया को अलविदा कह के चले गए। तो आज के मेमोरी रिवाइवल विद टीना में इतना ही। दीजिए इजाज़त, बाय बाय।